अच्छा तो पढ़ना शुरू करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, बताइए। अच्छा जब हम बोतल को फ्रीज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो क्या होता है? बर्फ जम जाती है। और अगर मैं उस बर्फ को निकालकर बाहर रख दूँ तो क्या होता है? पानी बन गया दोबारा से। अच्छा अच्छा ये तो हम जानते हैं कि दूध से क्या बनती है? दही बनती है। क्या कोई दही से दूध बना सकता है? नहीं बना। अच्छा अब पहले क्या हो रहा था? पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, इस बार दूध से दही, लेकिन दही से दूध नहीं बनता। तो इन दोनों उदाहरणों में क्या अंतर है? अंजलि बताइए क्या अंतर है? पहली अवस्था में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरी अवस्था में नया पदार्थ बनकर आ रहा था। तो आप जानते हैं ये परिवर्तन कैसे है? ये परिवर्तन के बारे में जानते हैं आप? नहीं जानते ना? तो इन्हीं परिवर्तन को पढ़ेंगे। इन परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। ज्योति ज्यादा बोलोगी अब? कागज जला दिया। इससे क्या बन गई है ये?